सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग एसएल स्ट्रोक। जुलाई 1, 2023 को हमें इस साल का मनी इन द बैंक 2023 यूके लंदन में देखने को मिलने वाला है। और गाइज, काफी मैचेस को ऑफिशियली WWE ने अनाउंस कर दिया है गाइज, तो उन मैचेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जाकर सब्सक्राइब करो। और चलिए इस साल वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइज, वीडियो को शुरुआत ही करते हैं रोमन रेंज एंड सोलो सिकुआ वर्सेज द उसोस के मैच से। गाइज, आपको पता होगा कि ऑफिशियली जो है ब्लड लाइन ब्रेक हो चुका है। और गाइज, जे उसो सपोर्ट कर रहे हैं जिमी उसो को, और जे उसो अटैक भी कर देते हैं अभी से कुछ दिन पहले वाले स्मैकडाउन में रोमन रेंज पे। और गाइज, इसी को देखते हुए WWE अनाउंस कर रही है कि इस साल के हमें मनी इन द बैंक 2023 में हमें ब्लड लाइन का सिविल वॉर मैच देखने को मिलने वाला है, रोमन रेंज एंड सोलो सिकुआ वर्सेस द उसोस का। वहीं पे गाइज, सेकंड मैच की बात की जाए तो ये वाला मैच हमें कोडी रोड्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टुरियो के बीच में देखने को मिलने वाला है। कोडी रोड्स की राइवलरी अभी से कुछ दिन पहले ब्रॉक लेसनर के साथ एक कंट्रोवर्शियल एंड होती है, और उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि उनके नेक्स्ट मतलब फ्यूड में और कोई नहीं बल्कि डोमिनिक मिस्टुरियो ऐड होते हैं। और गाइस, इस साल के मनी इन द बैंक 2023 में हमें डोमिनिक मिस्टुरियो वर्सेस कोडी रोड्स का हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है। वहीं पे थर्ड मैच की बात की जाए तो ये वाला मैच हमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ फेकिन रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर का मैच देखने को ऑफिशियली मिलने वाला है। याद होगा गाइस कि सेथ फेकिन रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर की राइवलरी की क्या ही बात की जाए, समरस्लैम में हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच भी देखने को मिलता है अभी से कुछ दिन पहले, यानी कि कुछ साल पहले। और गाइस, लास्ट वीक के NXT में हमें यह भी देखने को मिलता है कि जब सेथ रॉलिंस अपना वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट, तो फिन बैलर आके उन पर अटैक भी करते हैं। और गाइस, इस साल के मनी इन द बैंक 2023 में हमें यही मैच देखने को मिलने वाला है। गाइस, फोर्थ मैच की बात की जाए तो ये वाला मैच हमें वुमेन्स का लैडर्स मैच देखने को मिलने वाला है मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के लिए। पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो अभी तक काफी सारे पार्टिसिपेंट को WWE ने अनाउंस कर दिया है। बेली वर्सेस जेलिना वेगा वर्सेस बेकी लिंच वर्सेस जो स्टार्क वर्सेस ईयो सराय के बीच में हमें एक वुमेन्स का लैडर्स मैच देखने को मिलने वाला है वुमेन्स मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के लिए। यानी कि वुमेन्स मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के लिए हमें 5 वुमेन्स का लैडर्स मैच देखने को मिलने वाला है, और जो भी इस मैच को जीतेगा उसको वुमेन्स का जो ब्रीफकेस है वो अपने नाम करेगा। वहीं पे गाइस, लास्ट मैच की बात की जाए तो ये वाला मैच हमें देखने को मिलने वाला है 6 मेंस का नहीं बल्कि 7 मेन का हमें लैडर्स मैच देखने को मिलने वाला है मेंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के लिए। और गाइस, इस वाले मैच में भी यही स्टिपुलेशन ऐड है जो कि वुमेन्स वाले में है, जो भी इस मैच को जीतेगा वो मेंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को अपने नाम करेगा। पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो LA नाइट वर्सेज शिंसुके नाकामुरा वर्सेज लोगन पॉल वर्सेज रिकुशे वर्सेज संतोष एस्कोबार वर्सेज बुच वर्सेस और किसी के बीच में नहीं बल्कि डायमंड प्रिस्ट के बीच में हमें 7 मेंस का हमें लैडर्स मैच देखने को मिलने वाला है मेंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के लिए। तो गाइस, कुछ यही मैचेस है जिसको ऑफिशियली WWE ने अनाउंस कर दिया है इस साल के मनी इन द बैंक 2023 के लिए। तो गाइस, कुछ यही मैचेस हैं जो कि ऑफिशियल हो चुके हैं। वेल गाइस, इन सारे मैचेस के बारे में आपको क्या कहना है आप मुझे जाके बता सकते हो। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो।